हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के 8वें चैप्टर के बारे में, जो है जॉइंट। जॉइंट में 3 टॉपिक दिए गए हैं, ये इसको आप इस अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि हर चैप्टर से क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उसको हम देखेंगे, और यदि ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी तो हमें बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इन्हीं चीज़ों से मिला करके अपने आंसर को लिख सकते हैं। ये हमारे चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं। तो जो 94 पॉइंट है वो है 10 डिग्री टेम्परेचर तापमान बढ़ने पर 30 मीटर लंबी संरचना लगभग 10 mm फैल जाती है। संकुचन के कारण कंक्रीट संरचना 10 मीटर की लंबाई में 2 से 4 mm सिकुड़ जाती है। प्रत्येक 30 से 45 मीटर की लंबाई पर एक प्रसार जोड़ देना आवश्यक होता है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल कैसे करेंगे हम, गुणवत्ता नियंत्रण पर निर्माण लागत का 2 से 3% व्यय आता है, परंतु निर्माण कार्य की सामर्थ्य व लाभकारी आयु 15 से 20% तक बढ़ जाती है। अच्छी कंक्रीट का स्पंदन वेग का मान 3.5 किलोमीटर पर सेकंड से अधिक होता है। उसके बाद आ गया हमारा प्रतिकूल परिस्थितियों में कंक्रीटन, ठीक है। प्रतिकूल परिस्थितियों में हम कंक्रीटन कैसे करेंगे उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। इसमें जो है 6 पॉइंट दिए गए हैं, 6 पॉइंट को आप अच्छे से रीड कीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आप ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं तो आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी ऑलरेडी अच्छे नंबर आ जाएंगे। 99 पॉइंट है, 44 डिग्री से ऊपर अथवा 5 डिग्री से कम तापमान पर कंक्रीट की असामान्य स्थितियां कहलाती हैं। कंक्रीट के लिए 10 डिग्री से 27 डिग्री का तापमान उपयुक्त माना जाता है। उच्च तापमान पर कंक्रीट करने पर इसकी कठोरीकरण दर से तो तेज़ हो जाती है, परंतु इनकी अंतिम सामर्थ्य घट जाती है। 0 डिग्री तापमान पर कंक्रीट अपनी चरम सामर्थ्य का 50% और 10 डिग्री तापमान पर अपनी चरम सामर्थ्य का 30% ही ग्रहण कर पाती है। 103 पॉइंट है, ठंडे मौसम में कंक्रीट कार्य करते समय गर्म पानी का प्रयोग उत्तम रहता है, फर्माबंदी भी अधिक समय तक बनाई रखनी चाहिए। और 104 पॉइंट है, गर्म ऋतु में कंक्रीटन करने पर इसमें दरारें पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये आपके पॉइंट हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रीड कीजिए और अपने एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये सारे कंटेंट आप याद रखते हैं तो 100% मैं श्योर हूँ आपके नंबर अच्छे आएंगे। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।